नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टेक चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली के बारे में। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हम डेली बिजली यूज करते हैं, वो हमारी कितने उपकरण हमारे चलाने पर कितने यूनिट हम खर्च करते हैं और वो यूनिट हमारी कितने समय में खर्च होती है जाकर, तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी में जो उपकरण हम चलाते हैं, जो इक्विपमेंट हम चलाते हैं, वो कितनी एनर्जी लेते हैं और कितना हम हमारी यूनिट उसमें बनती है, एक दिन में कितनी यूनिट बन जाती है, कितनी यूनिट बन सकती है कितने घंटे चलाने पर, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, प्लीज आप अपने पांच मिनट लगाकर आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आप समझ पाएंगे कि एक यूनिट में कितने हम बिजली कंज्यूम करते हैं और कितने समय के लिए हम अपने उपकरणों को चला सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए वीडियो की तरफ और अब हम देखेंगे यूनिट के बारे में, जानेंगे यूनिट के बारे में, बिजली के बारे में, अपने उपकरणों के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा मीटर होता है, आप जो रीडिंग देखते हैं, जैसे कि आपको शो हो रहा है वीडियो में, पीछे आप देख रहे होंगे कि शो हो रहा है कि रीडिंग दिख रही है आपको, मीटर दिख रहा है। इस मीटर में जो रीडिंग चलती है, ये हमारी यूनिट होती है। जो रेड पॉइंट में दिख रहा है, ये मिनी यूनिट होती है, और जो आप बराबर में देख रहे हैं, ये हमारी यूनिट होती है। 26, 27, 28 जो सीरीज चलती है वो यूनिट होती है। अब दोस्तों, बात आती है एक यूनिट में कितने वाट होते हैं। दोस्तों, एक यूनिट में कितने वाट होते हैं? एक यूनिट में आप देख रहे हैं वीडियो में, 1000 वाट एक यूनिट में होते हैं। 1000 वाट, 1000 वाट जब हो जाएंगे, आपकी एक यूनिट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बल्ब यूज करते हैं, अगर हम एक बल्ब 100 वाट का है, जो भी हमारे उपकरण, पहले थोड़ा सा यहां पर समझिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी उपकरण होता है, वो अगर जैसे कि बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है या 15 वाट की एलईडी होती है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि 100 वाट का अगर बल्ब है तो वो एक घंटे में 100 वाट बिजली खर्च करेगा, 100 वाट बिजली लेगा, वो आवर का हिसाब होता है। 15 वाट का है कोई एलईडी तो वो 15 वाट एलईडी लेगी एक घंटे चलने पर। ये छोटा सा सीधा सा सरल तरीका है कैलकुलेशन का। एक घंटे अगर हम बिजली को, बल्ब को जलाते हैं, तो वो 100 वाट बिजली खर्च करेगा। अब यहां पर जानिए, 1000 वाट डिवाइड 100, 1000 वाट डिवाइड 100 करेंगे तो 10 घंटे, 10 घंटे बनते हैं। 10 घंटे हमारा बल्ब जलेगा तो दोस्तों, एक यूनिट हमारी खर्च होगी। 100 वाट बराबर एक यूनिट, 100 वाट को 100 से डिवाइड किया, जितने का हमारा उपकरण है उतने से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में अगर हम 10 घंटे उसकी रिजल्ट आ रहा है, 10 घंटे अगर हम बल्ब को जलाते हैं कंटिन्यू 100 वाट के बल्ब को, तो वो हमारी एक यूनिट बिजली खपत करेगा, एक बिजली यूनिट खर्च होगी। अब बात करते हैं एलईडी बल्ब और एलईडी में कितना बड़ा अंतर है, वो आप जानिए थोड़ा सा। एक एलईडी 9 वाट की है, 9 वाट मतलब 9 वाट पर आवर। तो दोस्तों, 1000 वाट डिवाइड 9, 1000 वाट, 1000 वाट में, क्योंकि एक यूनिट हमारी 1000 वाट की होती है, 1000 वाट में अगर 9 का भाग देंगे तो वो 111 घंटे, 111 घंटे एक यूनिट में जलेगी। वो जो हमारे 111 घंटे हो जाएंगे तब वो एक यूनिट बिजली खर्च होगी, खपत होगी।
दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी कैलकुलेशन। अब बढ़ते हैं आगे। 1000 वाट इजकल टू 1 यूनिट। दोस्तों अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सपोज कीजिए जो हमारे उपकरण है जो घर में हम चलाते हैं वो अगर हम कितनी देर चलाने पर कितने यूनिट बिजली खर्च होगी वो हम जानेंगे। यहाँ पर एक एलईडी बल्ब 10 वाट की बल्ब है, 10 वाट की एलईडी है और वो 10 घंटे जलाने पर कितने वाट लेगी, 100 वाट लेगी, इक्वल टू 100 वाट। एक एलईडी 10 वाट पर आवर की है, 10 वाट की है, 10 घंटे जलाने पर वो 100 वाट लेगी। अब हम फ्रिज चलाते हैं तो दोस्तों एक फ्रिज लगभग 100 वाट के आसपास लेता है, 100 से 200 के बीच में लेता है। तो एक फ्रिज अगर हम 10 घंटे चलाने पर वो 1000 वाट हमारी खर्च करेगा, मतलब 1000 वाट इक्वल टू 1 यूनिट। 10 घंटे अगर हम फ्रिज चलाते हैं तो वो 1000 वाट हमारी खर्च करेगा। वो वेरी करता है कंप्रेसर कितनी देर चलता है कितनी देर नहीं चलता, तो वो लगभग 100 वाट से 200 वाट के बीच में वो वेरी करता रहता है। अब बात आती है टीवी, जो हम टीवी चलाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं पूरा बताऊंगा कि ये कितने उपकरण चलने पर और हमारी कितनी यूनिट खर्च हुई, ये कैलकुलेशन बताऊंगा। मैं ये नहीं बता रहा कि कितने वाट का टीवी होता है कितने वाट का फ्रिज होता है, इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे मतलब है आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है एक यूनिट में कितना देर हमारे उपकरण चलते हैं, कितना हम चला सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको 10 वाट की एलईडी 100 वाट का फ्रिज, ये भी बिल्कुल लगभग सेम है, इतने की होती है। आप इसको भी मान सकते हैं कि हाँ इतने का टीवी इतने का फ्रिज हो लेता है। अब जैसे कि एक टीवी है 40 वाट का के आसपास होता है, 40 से 60 70 वाट लेता है, 40 से 60 वाट तक वो टीवी लेता है एलईडी टीवी। अब अगर हम 40 वाट मान के चलते हैं एक टीवी, तो 10 घंटे चलने पर वो 400 वाट इक्वल टू 400 वाट वो खर्च करेगा 10 घंटे में। अब दोस्तों बात आती है पंखों की। पंखे 2-3 चलते हैं घरों में ज्यादातर, तो पंखे अगर दोस्तों 2 पंखे अगर हम चला रहे हैं, 2 पंखे, एक पंखा 50 वाट का के आसपास लेता है, 50 से 70 वाट, एक पंखा अगर 50 वाट लेता है इजकल टू 2 बराबर 100 वाट। एक घंटे में 100 वाट बिजली हमारी खपत होगी, एक घंटे में 100 वाट बिजली खपत होगी 2 पंखे चलाने पर। अब हमें चलाने 10 घंटे इजकल टू 10 बराबर 1000 वाट, मतलब 1 यूनिट ये हमारे पंखे खर्च करेंगे 10 घंटे में। तो दोस्तों ये अगर हम उपकरण चलाते हैं, ये सारे उपकरण अगर हम चलाते हैं 10 घंटे के लिए, तो हमारी कितनी बिजली खर्च हम करेंगे दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। टोटल वाट देखिए यहां पर थोड़ा सा, टोटल वाट कितने हैं, 100 वाट हमने ले लिया प्लस 1000 वाट कर दिया फ्रिज का, प्लस 400 वाट कर दिया टीवी का, प्लस 1000 वाट कर दिया फैन का, तो टोटल वाट हमारे 2500 2500 वाट हमारे कैलकुलेशन आ गई। 2500 वाट हमने 10 घंटे ये उपकरण चलाने पर 2500 वाट हमने खर्च किए। अब दोस्तों बात आती है 2500 वाट तो हमने खर्च कर लिए, कितनी खर्च हुई, अब हम बात करते हैं यूनिट। एक यूनिट होती है हमारी 1000 वाट की, तो 2500 वाट डिवाइड 1000, 2500 वाट डिवाइड 1000 बराबर 2.5 यूनिट खर्च हुई हमारी, 2.5 यूनिट हमारी खर्च हुई, मतलब 2.5 यूनिट हमने खर्च कर दी। अब 2.5 यूनिट का जो हम करेंगे कैलकुलेशन, सपोज कीजिए 5 रुपये यूनिट हमारी बिजली पड़ती है हमें, 5 कहीं 5 होगी कहीं 4 होगी कहीं ज़्यादा भी होगी कम ज़्यादा होगी वो आप देख लीजिए, हमें एवरेज 5 मान के चलता हूँ, 5 रुपये यूनिट हमारी अगर पड़ती है एक यूनिट की कॉस्ट, अगर हम 2.5 यूनिट खर्च करते हैं तो 12.5 रुपये की हम एक दिन में बिजली खपत कर रहे हैं, 12.5 रुपये की बिजली एक दिन में खपत हो रही है। अगर हम
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि मैं रुपयों से मल्टीप्लाई मैंने किया 12.5 × 30, तो लगभग 375 रुपए की आपने यूनिट खर्च की पूरे महीने में, 375 यूनिट आप खर्च कर पाए। अगर हम 2.5 मतलब 2.5 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो वो हमारी यूनिट निकल कर आ जाएंगे, कितनी यूनिट हमारी बनेंगी। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है और मुझे आशा होगी कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, और पता होना चाहिए हम लोगों को कि एक यूनिट में कितनी बिजली खपत होती है, क्या क्या हम चला सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो दोस्तों ये बार बार आ रहा है तो थोड़ा इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।